वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन रेडिकल रेड। पर मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें फ्रॉकी कैसे मिल सकता है पोकेमॉन रेडिकल रेड में। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले आना पड़ेगा सेरुलियन सिटी में, और तुम्हें जाना है जिम में, और तुम्हें रीबैटल करना है मिस्टी से, और मिस्टी से तुम रीमैच तभी कर सकते हो जब तुमने जीती हो लीग। मैंने इस वाले में लीग जीत चुकी है, और मैंने मेरी टीम भी सेट कर ली है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मिस्टी को हराने के लिए। तो मैं यूज कर लेता हूँ राइजिंग वोल्ट, जिसकी पावर 140 है इलेक्ट्रिक टेरेन में। किंगड्रा के लिए मैं नेचर स्माइट यूज कर लेता हूँ। किंगरा तो बहुत ही स्ट्रांग है, किंगरा के लिए गार्डेवर का यूज करके देखते हैं। क्या हो रहा है, किंगरा के सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा है। क्या करिए, किंग को हराने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या पता युक्सिट्रिस से फास्ट हो, तो टिक ही नहीं पाएगा। मेरा कोई भी पोकेमोन इस किंगरा से फास्ट नहीं है। जैप कैनन यूज करके देखते हैं, ये भी नहीं है तेज। कोई भी किंगरा का एक अटैक भी नहीं सह पा रहा है। वो सेप्टाइल बच गया है। ओ ये क्या हुआ, ओ नाइस, सेप्टाइल ने इसको पैरालाइज कर दिया है, पर इसने बीच में चेंज कर लिया है। मैं बीच में चेंज कर लेता हूँ टापू कोको में। गाड़ी और इसको हरा सकती है क्या, देखते हैं। वही गैरडोस टापू कोको की एक ही अटैक में हार गया है, और ये वापस आ गया है किंगरा। ये क्या हुआ,
इसके पास एक ग्रीन निंजा भी है। ग्रीन निंजा को हरा सके ऐसा तो कोई पोकेमोन मेरे पास नहीं है। सेप्टाइल ही ग्रीन निंजा से तेज हुआ तो ही जीत पाएंगे हम। वाटर स्टार तो नॉट वेरी इफेक्टिव है वो, नहीं वो पहला। ओ वाटर स्टार, यस ग्रीन निंजा को अब हम हरा सकते हैं शायद। यस हमने हरा दिया है ग्रीन निंजा को। ओ हंटेल लीफ स्टॉर्म का यूज करते हैं, और ये हंटेल भी एक अटैक में ही हार चुका है। लास्ट पोकेमोन है इंटेलियन। इंटेलियन भी एक अटैक में ही हार गया है। नाइस ओ गैडोजाइट मिला हमें, और हमें मिल चुका है एक फ्रॉकी। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं फ्रॉकी। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मुझे मिल चुका है फ्रॉकी लेवल 5 का, और अभी इसकी एबिलिटी है प्रोटीन। इसको ग्रीन निंजा बना के देखते हैं कि इसकी एबिलिटी क्या होती है। पर इसे ग्रीन निंजा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी रेयर कैंडीज ले लेता हूँ। ओ मैं तो फ्रॉकी को अपनी टीम में भी लेना भूल गया। फ्रॉकी को अपनी टीम में ले लेते हैं गार्डवॉयर की जगह। पहले पोकेमोन्स को भी हील करा लेते हैं ताकि गलती से कोई बैटल हो जाए तो ज्यादा दिक्कत ना आए। अब हम यूज कर लेते हैं माय रेयर कैंडी फ्रॉकी पे। फ्रॉकी सीख रहा है लिक, तो हम हटा देते हैं ग्राउल को। और ये फ्रॉकी इवॉल्व हो रहा है फ्रॉगी डियर में। अब हमारा फ्रॉकी इवॉल्व हो रहा है ग्रीन निंजा के अंदर। ग्रीन निंजा सीख रहा है इसका बेस्ट मूव वाटर स्टार। हम राउंड हटा देंगे। अब इसकी एबिलिटी देखते हैं, प्रोटीन ही है, चेंज हो गई, वो प्रोटीन ही है। तो मेरे पास एबिलिटी पिल्स भी हैं, उससे चेक कर लेते हैं। ओ ग्रीन निंजा की एबिलिटी कैसे चेंज करनी है मुझे ये नहीं पता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय गाइस।